नमस्कार दोस्तों, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो मोटिवेशन प्लस सामान्य ज्ञान है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे फिर मुखातिब हुआ हूँ, फिर आपके सामने आया हूँ। आज का जो विषय है वो मैं बोलूँगा तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। एक कोटेशन है कि और जो अनिवार्य उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है, यानी जो चीज़ निश्चित है उसके लिए खिन्न यानी मन को उच्चाटन की स्थिति में ले जाना, एकदम से खिन्न हो जाना कि भाई एकदम से क्या हो गया, या परितप्त होना व्यर्थ है यानी अंदर ही अंदर मन को जलाना। जो चीज़ निश्चित है उसके लिए हम लोग ज़्यादा परेशान ना हो या ज़्यादा उसमें खुश ना रहें, हर स्थिति में सम रहने का प्रयास करें, चाहे आपकी कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता है, गुजर जाता है। हम लोगों का जो कार्य करने की शैली है, कर्म है, वही प्रधान होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो हम लोगों को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। और एक मुझे कहानी याद आ रही है, जब विनोद खन्ना अपने पीक पर थे, यानी बिल्कुल टॉप पर थे, उनकी बिल्कुल जगह जगह बड़ी डिमांड थी। अमिताभ बच्चन और इनकी एक तरह से फिल्मों में कंपटीशन चलती थी कि भाई कौन आगे निकलेगा, विनोद खन्ना आगे हैं या अमिताभ बच्चन। तो वो उन दिनों ओशो के संपर्क में आए, रजनीश ओशो। तो ओशो के पास गए, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, बिठाया। ओशो ने बैठिए, विनोद खन्ना ने कहा कि आप कोई ऐसी चीज़ हमें बताएं जो जीवन में मार्गदर्शन का काम करे। तो ओशो ने एक चीज़ कही जो विनोद खन्ना ने बिल्कुल गांठ बांध ली कि आप एक्टिंग ऐसे करें जैसे कि सही मायने में जीवन जी रहे हो, और जीवन ऐसे जिए सही मायने में एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे आसपास हम लोग देखते हैं कि घटनाएं जो घटित होती हैं, कोई किसी के विचार से दुखी होके परेशान हो जाता है, अपने आप को दुखी करता है, तो हम लोग ये माने कि वो भाई जीवन का ये सब एक्टिंग है। हम लोग माने कि भाई एक्टिंग कर रहा है, जैसे पार्ट होता है, कोई आदमी हमें कुछ आके बोल गया तो ये माने कि उसका पार्ट ये था कि वो आके हमको 10 बात सुनाएगा, लेकिन किस बात के लिए उसने बोला है हमें बैठना चाहिए, उसको समझना चाहिए और परिस्थितियों को अपने हिसाब में करने के लिए उसमें सुधार करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको मम्मी पापा की डांट पड़ती है कि इसलिए पड़ती है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप धीरे से उसको एडजस्ट करें, अपनी पढ़ाई करें, किताब खोलें और पढ़ें। मम्मी पापा आपको बहुत अच्छा करेंगे, बहुत प्यार देंगे और आप कहेंगे कि देखिए कितना परिवर्तन आ गया। तो विनोद खन्ना उस दिन के बाद उन्होंने जो एक्टिंग शुरू की, हालांकि कुछ दिन के लिए उससे दूर रहे, बहुत फिर विख्यात हुए। तो मंत्र जो ओशो का था उन्होंने लिया। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जहाँ है, चाहे आप करोड़पति हैं, चाहे आप खूब काम करने वाले हैं, चाहे आपके पास कम पैसा है, चाहे आप खूब मेहनत करते हैं, आपके पास बहुत कम बचत होती है, तो भी आप मन लगा के अपना काम कीजिए, क्योंकि काम करना ही हमारे हाथ में है। और विलियम शेक्सपियर की एक पंक्ति को मैं उद्धृत करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति जहाँ है वहीं खूब मन लगा के काम करे, जब उसका अंत समय आएगा तो स्वर्ग से फरिश्ते आएंगे और उसको वहीं से उठा ले जाएंगे, यानी उसका सम्मान करेंगे। तो काम करने वालों का सम्मान इस लोक में और उस लोक दोनों जगह होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।